हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो नए व्यूवर्स मेरे वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बिग साइज की थालपोश की डिज़ाइन लाई हूँ। और ये एक व्यूवर्स की गुजारिश थी, उन्होंने कहा था कि आप मुझे डोरा वगैरह छठ पूजा के डाल वगैरह डाली वगैरह ढकने के लिए एक दिखाएं, तो वो मैं डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए इस तरह से है, यह बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है, बहुत बिग साइज़ का है। तो इसे मैं आपको मेजरमेंट भी करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे एक व्यूवर्स ने मैसेज भी लिखा था कि आप प्लीज़ इसे नाप के मुझे दिखाएं इंच के सहायता से और मीटर के सहायता से। तो ये देखिए मैं इंच से भी ना कर रही हूँ और ये सेंटीमीटर के हिसाब से भी मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए सेंटीमीटर में ये 91 आ रहा है और मीटर के हिसाब से ये आपका 35 से 34 हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा दी हूँ। और ये देखिए मैं ऐसे भी दिखाती हूँ, ये मेरे बच्चे के स्टडी टेबल है और इसमें मैंने बिछा के दिखाया है आपको। और ये देखिए इस तरह से मैंने तीन कलर का उनका यूज किया है, यहाँ पे येलो, रेड और ग्रीन कलर का है। सारे मैंने 100-100 ग्राम के लिए। और ये 4-ply ऊन है। ये भी एक मेरे व्यूवर्स की गुजारिश थी कि आप मुझे ये बताएं कि कौन से आप प्लाई का यूज़ करती हो, तो ये मैं बता दे रही हूँ। और यहाँ मैंने कोशिश किया था आपको ये नीडल्स के नंबर्स दिखाने के लिए, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। तो ये मेरा है 2.5 mm का है, ये आपको मैं बता देती हूँ। और एक सीजर मैंने इस तरह से लिया है इसे, और आपको मैं रेड कलर से पहले सबसे पहले बनाना बताऊं कि कैसे बनाना है इसे। तो इस तरह से आपको पहले नोट लगा लेना है। और मैंने यहाँ पे 8 chain बनाया है, इस तरह से आपको 8 chain बना लेने, 8 chain। 8 chain बनाने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाले चेन में इसे इस तरह से जॉइंट कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए, और एक रिंग तैयार कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने 3 chain बनाया है, और 3 chain जो मैंने बनाया है उसे आपको काउंट नहीं करना है, उसके बाद वाले को आपको इस लूप से 20 double crochet निकालना है, और जो मैंने चेन बनाया है उसे मिला के ये टोटल 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 20 इस लूप के अंदर से 21 double crochet निकालना होगा, ठीक है। अभी मैं पूरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा कर लिया है, और 2 मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से टोटल ये काउंट करोगे आप तो ये 21 हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको काउंट कर लेना है, और जो पहले मैंने जो चेन बनाया था उसके सबसे ऊपर वाले चेन में आपको इस तरह से डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है। फिर आपको 3 chain बना लेना है, 4 chain मैंने इसमें बनाया है, ठीक है। इस तरह से 4 chain बनाने के बाद आपको फंदे लेने हैं, 3 राउंड आपको नीडल्स में ले लेने हैं, और इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए निकालना है। ये देखिए इस तरह से 3 times आपको डबल क्रोशे निकालना है आपको इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 loop मैंने इस तरह से बनाया, फिर 6 chain आपको इस तरह से बना लेना है। फिर आपको देखिए इस तरह से आपको फिर फंदे में आपको इस तरह से कर लेना है, लेकिन जहाँ जो सबसे लास्ट वाला आप निकालोगे वहीं से फिर से आपको निकालना है, और सारे चेन के अंदर यानी लूप के अंदर से 1-1 loop के अंदर से 1-1 double crochet इस तरह से निकालना है आपको। अब फंदे जब भी आप लोगे तो 3-3 फंदे इस तरह से लेना है, और ये टोटल को मैं एक कर दूंगी इस तरह से। जॉइंट करने के बाद फिर से आपको 5 chain बना लेना है, और फिर मैं इस तरह से 3 needles में राउंड कर लूँगी, और यहाँ से डबल क्रोशे निकालूँगी इस तरह से। डबल क्रोशे निकालना है 3 times, फिर से इस तरह से निकालना है, और ये 3 times आपको इस तरह से निकाल के और टोटल लूप को आपको एक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने 6 chain बनाया, सॉरी मैंने 5 बोला था, लेकिन यहाँ पे 6 chain है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट मैं कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से आपको जॉइंट करना है, ये स्लिप स्टिच करते हुए से जॉइंट कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे इस तरह से कट लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे येलो ऊन का यूज करूँगी, और ये जितना भी मैं बना रही हूँ 4-ply ऊन की है,
है उसी से बनाती हूँ हमेशा। इस तरह से जॉइंट करने के बाद मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी। इस तरह से आपको थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ से आपको फोर टाइम डबल क्रोशे निकालना है। चेन को मिला के फाइव हो जाता है, तो इस तरह से मैं फाइव डबल क्रोशे निकालूंगी टोटल मिला के। फिर यहाँ पे थ्री चेन बनाना है बीच में गैप करने के लिए। फिर से यहाँ आपको दूसरे वाले नीडल लूप से फिर से फाइव डबल क्रोशे निकालना है, फिर थ्री चेन, फिर फाइव डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से। इस तरह से ये पूरा रो कंप्लीट करना है आपको। और फ्रेंड, बहुत लोग मेरे मैसेज कर रहे हैं कि आप बहुत फास्ट देते हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ इसके लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है और मैं पार्ट बाय पार्ट देख चुकी हूँ देखे, लेकिन उससे बहुत रिस्पॉन्स बहुत ख़राब आता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि शॉर्ट में ही दिखाऊँ, लेकिन आप अगर चाहोगे तो बहुत स्पष्ट ही समझ में आता है और मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसे जॉइंट कर दूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच लेते हुए एक लूप को स्किप कर देना है और इसके बगल वाले लूप से इसको आपको करना है। तो यहाँ मैंने चेन बनाया है पहले लूप के अंदर से, फिर सारे लूप के अंदर से मैं वन वन डबल क्रोशे निकाल रही हूँ थ्री टाइम, ठीक है। और यहाँ जो मैंने थ्री चेन बनाया था, यहाँ से मैं टू डबल क्रोशे बनाऊँगी इस तरह से। ये तिरछा जाएगा आपका। फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाऊँगी इस तरह से। फिर देखिए, फर्स्ट वाले को मैं स्किप करूँगी, उसके बगल वाले से मैं डबल क्रोशे निकालूँगी फोर्थ टाइम, ठीक है। हर चेन के अंदर से या हर लूप के अंदर से मैं वन वन डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और ये चेन के अंदर से मैं टू डबल क्रोशे निकालूँगी। सॉरी, देखिए यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था। मैं यहाँ से देखिए दिखाती हूँ आपको, फिर से मैं टू डबल क्रोशे मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ पे मैं थ्री चेन बनाऊँगी। ये थ्री चेन का बीच का गैप बनेगा वो। फिर से मैंने वन को स्किप किया, उसके बगल से मैंने डबल क्रोशे निकालना शुरू किया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। फिर इस लूप के, इस चेन के अंदर से या लूप के अंदर से आप दो टाइम टू डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से ये रो को मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। और ये वीडियो मेरी बहुत लेट आई है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस तरह से फ्रेंड, इसे आप ज्वाइंट कर दिए, और इसके लिए मैं माफ़ी भी बहुत चाहती हूँ आप सभी से। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, मुझे गाइड भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और ये देखिए फ्रेंड, फिर से मैं इसी तरह से पूरा एक स्किप करके मैं फिर से सारे चेन के अंदर से वन वन डबल क्रोशे निकाली, और ये जो चेन मैंने बनाया था यहाँ से मैं टू डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर थ्री चेन मैंने बनाया, फिर वन को स्किप किया, फिर सारे लूप के अंदर से मैं वन वन डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। आप जो समझ सको, आप चेन भी बोल सकते हो, आप लूप भी बोल सकते हो। और ये जो मैंने चेन बनाया है, यहाँ से मैं टू डबल क्रोशे बनाऊँगी और इस तरह से ये रो को भी कम्प्लीट करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है आपको। ये देखिए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छा से समझा सकूँ, और ये मुझे तो लगता है कि मैं पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन फ्रेंड मैं ज़्यादा स्लो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि थोड़ा स्लो ही मैं इसे कर सकूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से स्लो में ही किया है इसे। तो इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करके मैं दो और रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने तीसरा रो को भी कंप्लीट कर ली हूँ, और फोर्थ को भी, फोर्थ में आप ज्वाइंट करके मैं बताऊँगी आपको। तो इस तरह से देखिए, ये थोड़ा तिरछा चलते गया है। अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूँगी, ये जो चेन मैंने बनाया था सबसे फर्स्ट वाले चेन में। इसके बाद मैं फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच करते हुए वन को स्किप किया, और उसके सेकेंड वाले लूप से मैं डबल क्रोशे मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। सारे लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशे मैं निकालते जाऊंगी।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थ्री चेन बना लेना है इस तरह से, और ये जो मैंने चेन बनाया था उसके बीचों बीच इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, फिर से थ्री चेन, और इसे स्किप करके इसके बगल वाले से आपको इसे जॉइंट करना है डबल क्रोशे करते हुए इस तरह से। फिर ये देखिए इस तरह से, फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी और इसके बीच में इस तरह से जॉइंट करूंगी, फिर मैं थ्री चेन बनाऊंगी और वन लूप को स्किप करके उसके सेकंड वाले में मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, ये रो को पूरा कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कंप्लीट करते जा रही हूँ मैं। फिर मैंने यहाँ पे थ्री चेन, बीच में इसे सिंगल क्रोशे किया, फिर से मैंने थ्री चेन, इसको एक स्किप करके इसके सेकंड वाले पे मैंने किया, और इस तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ, फिर जॉइंट करना बताऊँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ तक कर लिया है, अब मैं इसे बताऊँगी कि कैसे फिर आपको करना है। तो मैंने यहाँ पे फोर मैं चेन ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा कि ये थोड़ा सिकुड़ रहा था, तो इस कारण मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे फोर चेन लेके फिर से मैं करना शुरू की हूँ। तो आप फोर भी कर सकते हो, मैंने कहीं भी निकाला नहीं है, जैसा बन रहा है मैं बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप फोर चेन ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने फोर चेन लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिर से मैं फोर चेन लगा के इस तरह से डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ। इस तरह से फिर से फोर चेन लेना है आपको, और ये देखिए यहाँ जो फोर चेन लेने के बाद यहाँ जो बीच में लूप मैंने दो तैयार किया था, इसके बीचों बीच इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, फिर यहाँ पे फोर चेन, फिर इसके बीच में सिंगल डबल सिंगल क्रोशे इस तरह से, फिर यहाँ पे फोर चेन, अब मैं वन को स्किप करके इसके बगल से डबल क्रोशे निकालूंगी। और यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे सबसे पहले फोर रो मैंने क्वांटिटी बढ़ाया, अब इधर से जो रो बनेगा इसमें क्वांटिटी आपकी घटती जाएगी, ठीक है, माइनस होते जाएगी। तो इस तरह से आपको करते हुए जाना है। फिर मैंने यहाँ पे फोर चेन, इस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे, फिर फोर चेन, फिर इस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे, फिर फोर चेन, फिर वन लूप को स्किप करके इसके बगल वाले लूप से डबल क्रोशे, और सारे लूप के अंदर से डबल डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है, इस तरह से। और ये रो को भी मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से, फिर मैंने फोर चेन बनाया, फिर इस तरह से मैंने इसे ज्वाइंट करूँगी, फिर फोर चेन, फिर वन को स्किप करके इसके बगल से मैं निकालूंगी डबल क्रोशे। तो इसी तरह से फ्रेंड और दो रो और मैं कंप्लीट करूंगी। दो नहीं, और भी बहुत सारे हैं, ये देखिए इस तरह से सारे लूप के अंदर से मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और ये टू रो इसी तरह से कंप्लीट मैं करूँगी। ये देखिए मैंने टू और इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट करके मैं इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। फिर सारे लूप में फिर आपको ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। अब यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से मैं ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे में सिंगल स्लिप स्टिच करते हुए मैं बगल को स्किप करके, मैंने बगल से शुरू किया है फर्स्ट को स्किप करके, और इस तरह से आपको तीन का एक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं फोर चेन लूँगी और यहाँ पे इस लूप में सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर फोर चेन लूँगी, फिर इस लूप के अंदर से मैं सिंगल क्रोशे निकालूँगी इस तरह से, देखिए फिर फोर चेन, फिर इस लूप के अंदर से जॉइंट करते हुए निकालूंगी, फिर फोर चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर फोर चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है,
तो ये देखिए इस तरह से ये जाले बनते जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी भी इसके बढ़ते जा रही है। अब मैं क्या करूँगी, सॉरी यहाँ पे मैं एक स्किप करूँगी, उसके बगल में मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। हमेशा फर्स्ट को आपको स्किप करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको डबल फंदे लेने हैं इस तरह से हिडल्स के ऊपर, और ये इस तरह से आपको डबल क्रोशे करते हुए टू टाइम जाना है। फिर देखिए यहाँ से फंदे को इस तरह से निकालना है, ये चारों फंदे को चारे लूप फोर लूप को मैं वन में इसे करूँगी, वन कर दूँगी। फिर मैं फोर चेन लूँगी, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊँगी सारे लूप के अंदर से, तो ये देखिए इस तरह से मैंने डबल किया और एक को स्किप किया, इसके बगल से मैंने डबल क्रोशे निकाला। फिर इस तरह से आपको फंदे से डबल क्रोशे करते हुए जाना है, देखिए टू टाइम मैंने डबल फंदे लिया और टू टाइम आपको डबल क्रोशे इस तरह से करना है। और ये देखिए थ्री टाइम इस तरह से करने के बाद फिर चारों को इसे एक कर लेना है। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट मैं करूँगी। ये देखिए यहाँ तक मैंने आपको बताया, मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, अब मैं इसे ज्वाइंट करके बताऊँगी। फिर यहाँ पे आप ज्वाइंट कर दो, तो इस तरह से आप करोगे, फिर इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब कट लगा के मैं यहाँ पे क्रीम ऊन का यूज करूँगी। ये मैं दिखा देती हूँ कि कैसे मैं इसे इस तरह से आपको हर चेन के अंदर से ऊन को फंसाते हुए निडल से निकालते हुए आपको इस तरह से इसे छुपा लेना है, तो ये पता भी नहीं चलता है और ये बहुत अच्छा दिखता है इस तरह से, देखिए। तो अब ये देखिए ग्रीन कलर का ऊन से मैं बनाऊँगी, ये कुछ लीफ जैसी दिखेगी, बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी, इसे सारे लूप के अंदर से आपको निकालना है। तो इस लूप में मैंने फर्स्ट मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया, यहाँ पे आपको फोर चेन बनाना है, ठीक है। फोर चेन बनाने के बाद यहाँ पे थ्री आपको राउंड राउंड नीडल्स में घुमाना है, जैसे मैंने वहाँ पे टू टू घुमाया था एक बार येलो में, यहाँ पे आपको थ्री टाइम करना है और इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए जाना है। ये देखिए वन टू थ्री इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए मैंने थ्री कर लिया है। फिर मैं दूसरे वाले लूप से फिर थ्री इसी तरह से करूँगी, ये देखिए फिर से मैं करूँगी इसी लूप के अंदर से थ्री टाइम। और ये छों को मैं, ये सिक्स जितने भी मेरे निडल ये लूप बने हैं सारे लूप को मैं एक में बदल दूँगी इस तरह से सिर्फ स्टिच करते हुए। फिर आपको यहाँ पे टेन चेन लेना है इस तरह से, और ये फंदे को फिर से आपको थ्री टाइम इस तरह से निडल्स में लगा लेना है। फिर आपको इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए निकलना है थ्री टाइम, यहाँ से मैं थ्री टाइम निकलूँगी और इस स्टिच के अंदर से थ्री टाइम, और ये टोटल सिक्स हो जाने के बाद स्लिप स्टिच करके इसे एक कर दूँगी सारे लूप को। तो देखिए मैं इस लूप के अंदर से भी थ्री टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और ये छों को मैं इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दूँगी स्लिप स्टिच करते हुए। फिर मैं यहाँ पे टेन टाइम चेन बनाऊँगी और इसी तरह से इसे रिपीट करते हुए जाऊँगी। ये देखिए वन लूप के अंदर से थ्री टाइम आपको डबल की डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से, फिर इस लूप के अंदर से भी थ्री टाइम आपको निकालना है। अब फंदे देखिए निडल्स में मैंने हमेशा थ्री राउंड घुमाया है, इस तरह से आपको कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, तो इससे लीफ बहुत अच्छा दिखता है। और इस तरह से मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी और टेन चेन बनाऊंगी। ये देखिए इसी तरह से मैं पूरा इसे कंप्लीट करूंगी इस रो को, और ये कितना खूबसूरत सा लीफ दिख रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, और ये डार्क ग्रीन है लेकिन यहाँ ब्लैक जैसा दिख रहा है,
अब मैं यहाँ पे बीचों बीच इसे ज्वाइंट कर दूंगी, कट कर दूंगी यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। अब ये बहुत बिग साइज में मैंने बनाया है, आप टेबल क्लॉथ के रूप में भी इसे यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ बीचों बीच इसे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी और यहाँ से मैं ऊन को हमेशा फंसाते हुए करती हूँ, इससे ये बहुत अच्छा से सेपरेट हो जाता है। यहाँ मैंने डबल क्रोशे किया है और 3 चैन का गैप, फिर यहाँ पे आपको 7 चैन बनाना है, ठीक है। और ये देखिए, ये तीनों के बीचों बीच 6 के बीचों बीच मैं करूँगी इस तरह से, और 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशे, यानी टोटल ये 4 डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से मैं निकालूंगी इस तरह से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 बना लेने के बाद फिर से मैं इसके बीचों बीच करूँगी इस तरह से इस लूप के अंदर से, और फिर से मैं यहाँ 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 3 चैन का कैप, इस तरह से ये फ्लावर को मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, फिर मैंने 7 चैन बनाया, तो इसी तरह से फ्रेंड ये रो भी पूरा कंप्लीट होगा। ये मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, और मैं इसे जॉइंट करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे फिर से आपको 7 टाइम चेन बनाना है और इस तरह से सबसे ऊपर वाले में इसे जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच करते हुए। फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप तक जाऊंगी और यहाँ से मैं 3 चैन बनाऊंगी और फिर यही फ्लावर यहाँ रिपीट होगा, 4 डबल क्रोशे, बीच में 3 चैन का गैप, यहाँ पे 3 चैन बनाना है और ये दोनों को मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर दूंगी, फिर यहाँ पे 3 चैन, फिर मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में 3 चैन का गैप। ये देखिए कुछ इस तरह से फिर 3 चैन मैंने बनाया, ये दोनों को मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करूंगी, फिर 3 चैन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चैन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशे, इस तरह से 4 हो जाएगा टोटल, और इस तरह से मैं इस रो को भी पूरा कंप्लीट करूंगी। ये वीडियो मेरी बहुत लेट से आई है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे तीज वगैरह, तीज कर्मा, ये सब बहुत सारे फंक्शन फेस्टिवल आए थे, तो इस कारण मेरा थोड़ा लेट हो गया है वीडियो देने में। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, अब मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। वन टू थ्री, और इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है, फिर 3 चैन, और यहाँ पे मैं इसे जो चैन मैंने बनाया था इसके सबसे ऊपर वाले में इसे स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट करना है और ये लूप तक पहुँचना है, फिर यही 3 चैन, यहाँ से सिंगल डबल क्रोशे, फिर 3 चैन, फिर डबल क्रोशे 2 टाइम, इस तरह से ये फ्लावर सेम वही रिपीट होगा। फिर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 7 बनाया चेन, और इस तरह से फिर से मैं वही फ्लावर को रिपीट करूँगी, 4 डबल क्रोशे, बीच में 3 चैन का गैप, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन बनाना है, फिर से मैं इस लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशे। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लगती है तो आप मैं जो बोल रही हूँ आप उससे भी समझ सकते हो। तो ये कुछ फास्ट नहीं है, मैं इस तरह से स्पीड में ही बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, इस कारण मुझे थोड़ा करना पड़ता है इसे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं पूरा रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसे फिर से मैं चेन बना के, सेवन चेन बना के मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए फिर से आपको लूप तक जाना है और फिर आपको सेम वही फ्लावर तैयार करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको चेन बनाना है, फर्स्ट में बनाना है और फिर डबल क्रोशे निकालना है, एक फिर थ्री चेन फिर टू डबल क्रोशे। इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करना है। फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाऊँगी इस तरह से और यहाँ पे जॉइंट करूँगी और यहाँ पे मैं थ्री चेन बना के मैं इस तरह से इसे जॉइंट करूँगी और जॉइंट करके फिर से वही फ्लावर तैयार करूँगी। फोर डबल क्रोशे, बीच में थ्री चेन का गैप, ये देखिए। फिर से आप थ्री चेन बनाइए, फिर इसे सिंगल क्रोशे, फिर थ्री चेन और इस लूप के अंदर से मैं फोर डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में थ्री चेन का गैप। फिर इसे ज्वाइंट कीजिए और इसी तरह से ये पूरा रो कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं ज्वाइंट करके पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरह से आपको फिर से करना है और यहाँ पे फिर मैं थ्री चेन बनाऊंगी और इस लूप के अंदर से मैं इसे सिंगल क्रोशे करूंगी और इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए फिर थ्री चेन मैंने बनाया, फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे टू टाइम निकालूंगी, थ्री चेन का गैप, फिर टू डबल क्रोशे, टोटल फोर डबल क्रोशे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी फिर से मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे थ्री चेन बनाया, थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ से मैं सिंगल डबल क्रोशे, फिर सिंगल डबल क्रोशे और ये तीनों लूप को मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। फिर मैं थ्री चेन बनाऊँगी और इस लूप के अंदर से मैं सेम वही फ्लावर तैयार करूँगी और इसको इसी तरह से आपको पूरा इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। फिर देखिए मैंने थ्री चेन बनाया और इस लूप के अंदर से मैं सिंगल क्रोशे, इस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करूँगी इस तरह से। फिर यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी और ये तीनों को मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी, फिर थ्री चेन और यहाँ जो मैंने फर्स्ट चेन बनाया था सबसे ऊपर वाले चेन में से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूँगी और ये स्लिप तक स्लिप स्टिच करते हुए आपको जाना है। फिर थ्री चेन बनाना है, सेम वही रिपीट होगा ज्वाइंट करने में आपको। और आपको यहाँ पे फिर से थ्री चेन, ये देखिए इस तरह से थ्री चेन बनाना है और यहाँ पे इस तरह से निकालना नहीं है आपको, इस लूप के अंदर से इस तरह से इसे निकालना है और यहाँ पे जॉइंट करके मैं यहाँ पे थ्री चेन बना के फिर से जॉइंट करूँगी और फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर चेन यहाँ पे बना लेना है। सॉरी मैंने यहाँ पे थ्री बोला था, आपको फोर चेन होगा यहाँ पे। फिर से यहाँ पे बीच में थ्री चेन का गैप और टू डबल क्रोशे, टू टू करके इधर साइड से। फिर यहाँ पे फोर चेन और इस लूप के अंदर से ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर यहाँ पे फोर चेन, सॉरी थ्री चेन और इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देंगे मैं इस लूप के अंदर से करूँगी।
और फिर से मैं यहाँ पे जो फ्लावर तैयार कर रही हूँ उसी टाइप से करना है फिर से आपको। और इस तरह से ये रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से ये बनेगा और इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, इसकी साइज़ भी बढ़ बड़ी होती जा रही है। कोशिश करती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस लूप के बीचों बीच मैं इसे ज्वाइन करूँगी ये फ्लावर के बीचों बीच, और यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूँगी इस तरह से, और यहाँ पे 9 चेन बनाना है आपको, फिर यहाँ से 10 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने 9 और ये लास्ट 10, इस तरह से 10 डबल क्रोशे निकाल लेना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है, मैं 6 काउंट की हूँ, और फिर मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालूँगी, फिर 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 6 चेन ले लीजिए, मैं मिस्टेक कर देती हूँ उसे में। और यहाँ पे फिर आपको 10 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 6 चेन, फिर यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूँगी, इस तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करूँगी यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इस एक फ्लावर के अंदर से मैं 4 डबल क्रोशे निकालू, एक फ्लावर के अंदर से मैं 10 डबल क्रोशे निकालू, बीच में 6 चेन का गैप है, और इस तरह से पूरा रो को कंप्लीट करना है। यहाँ आप 6 भी दे सकते हो और 7 भी दे सकते हो, ठीक है, वो बिनावट पे मैं बता देती हूँ आपको। अब मैं फिर से सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूँगी, ये देखिए इस तरह से, फिर से 6 चेन बनाना है आपको, और सारे लूप के अंदर से या चेन के अंदर से आपको डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ये देखिए 5 तक मैंने किया, और 5 के बीचों बीच में फिर से यहाँ पे 2 निकालूँगी, और यहाँ पे 2 चेन का गैप करूँगी, फिर इस लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूँगी इसी लूप के अंदर से, और 4 डबल क्रोशे में 1 1 निकालूँगी, ऐसे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ से डबल डबल सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालूँगी सारे चेन के अंदर से और लूप या लूप के अंदर से, ये देखिए इस लूप के अंदर से मैं निकाल रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊँगी, और ये लूप के अंदर से मैं 4 टाइम सिंगल निकालूँगी, 1 2 3 4, और 5 में मैं क्या करूँगी 2 डबल क्रोशे निकालूँगी उस लूप के अंदर से, ये देखिए 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का गैप, उसके बगल से 2 डबल क्रोशे फिर निकालूँगी उसी लूप के अंदर से, उसके बगल वाले लूप के अंदर से, ठीक है, फिर 4 टाइम में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी लूप के अंदर से, ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड ये
इस तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है। मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं, तो ये देखिए ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं ज्वाइंट करके बता देती हूँ आपको। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए निकाल लेना है। फिर से मैं चेन बनाऊंगी फर्स्ट में और सारे लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशिया निकालूंगी। चेन को काउंट करते हुए फोर ही होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले सेवन किया था, फिर सिक्स किया, अब मैं यहाँ पे फाइव करूँगी। फाइव चेन बनाने के बाद फिर आप यहाँ से सारे लूप के अंदर से वन वन निकालना है और उसके यहाँ पे मैं फाइव टाइम वन वन डबल क्रोशिया निकालूंगी इस तरह से देखिए। और सॉरी मिस्टेक हो गया है, फाइव हो गया, सिक्स और सेवन में मैं टू डबल क्रोशिया निकालूंगी। फिर से मैं यहाँ से टू डबल क्रोशिया निकालूंगी सबसे फर्स्ट वाले से और सारे लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशिया निकालूंगी। यानी फाइव टाइम आपको वन वन डबल क्रोशिया निकालना है और सबसे लास्ट वाले सिक्स वाले में आपको टू डबल क्रोशिया निकालना है लूप के अंदर से और बीच में थ्री चेन का गैप। फिर मैं यहाँ पे फाइव चेन बनाई और यहाँ से मैं वन डबल क्रोशिया सारे लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशिया निकालूंगी। इस तरह से फ्रेंड ये रो को भी कंप्लीट करूंगी मैं। ये देखिए मैं यहाँ से टू डबल क्रोशिया निकालूँ सबसे लास्ट वाले से, फिर थ्री चेन और यहाँ से मैं टू डबल क्रोशिया निकालूंगी और इसके बगल वाले से मैं वन वन डबल क्रोशिया निकालती जाऊंगी। तो इसी तरह से मैं ये रो को भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। फिर आपको वही रिपीट करना है फोर्थ वाले रो में, फोर डबल क्रोशिया निकालना है वन वन करके। फिर यहाँ पे फाइव चेन में बनाऊंगी और फाइव टाइम वन वन सारे लूप के अंदर से फाइव टाइम डबल क्रोशिया निकालूंगी और टू जो है यहाँ पे उसे मैं स्किप कर दूंगी और वन चेन लूंगी और वहाँ से टेन डबल क्रोशिया निकालूंगी। फिर यहाँ पे मैंने वन चेन का गैप किया और टू मैंने लूप को स्किप किया है और उसके बगल से मैं वन वन डबल क्रोशिया निकालते जाऊँगी सारे लूप के अंदर से इस तरह से। देखिए इधर से भी आपका फाइव होगा, इधर से भी फाइव होगा। फिर फाइव चेन बनाना है और ये फोर लूप के अंदर से मैं फोर वन वन डबल क्रोशिया निकालते जाऊँगी सारे लूप के अंदर से। ये देखिए फ्रेंड ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तब मैं कट लगा दूँगी। अब येलो उनसे मैं बनाऊंगी। तो आप कहीं से भी ज्वाइंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से करूँगी तो यहाँ से नहीं।
तो ये मैं यहाँ से ज्वाइंट कर रही हूँ, ये देखिए जो फोर्थ मैंने बनाया था वह इसी जगह से। तो मैं इस तरह से यहाँ पे फोर्थ थ्री चेन बनाऊंगी और यहाँ से थ्री डबल क्रोशे निकालूंगी वन वन चेन के अंदर से, वन वन लूप के अंदर से, और चेन को काउंट करके ये फोर ये भी कहलाएगा। फोर्थ चेन बना लेना है आपको और इस लूप के अंदर से मैं वन डबल क्रोशे, उसके बगल के लूप से वन डबल क्रोशे, इस तरह से मैं थ्री टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे टू चेन का गैप और यहाँ से मैं सारे लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, वन चेन का गैप, फिर वन डबल क्रोशे, वन चेन का गैप, फिर वन डबल क्रोशे, वन चेन का गैप, इस तरह से सारे लूप के अंदर से मैं निकालते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मैं वन चेन वन डबल क्रोशे किया मैंने, फिर वन चेन लिया, फिर वन डबल क्रोशे, फिर वन चेन, बीच में गैप करने के लिए आपको वन वन चेन का करना है। अब यहाँ पे मैंने टू चेन लिया है और इस तरह से मैं यहाँ पे जॉइंट करके फिर मैं यहाँ से थ्री डबल क्रोशे निकालूँगी सारे चेन के अंदर से वन वन करके। फिर यहाँ पे फाइव चेन, सॉरी फोर चेन, फिर वन डबल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे। फिर वन टू थ्री फोर, फोर चेन बना लेने के बाद फिर मैं इस लूप में सिंगल सिंगल सारे लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशे निकालूंगी थ्री टाइम, फिर टू चेन का गैप, फिर आपको इसे स्किप कर देना है टू को, फिर ये वन चेन लेना है और सारे लूप के अंदर से बीच के लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, वन चेन, वन डबल क्रोशे, वन चेन, वन डबल क्रोशे, वन चेन, इस तरह से इसे रिपीट करते हुए जाना है। वन डबल क्रोशे, वन चेन, ये देखिए फ्रेंड इस तरह से। फिर यहाँ पे मैंने टू चेन का गैप किया, फिर मैं यहाँ इस टू लूप को स्किप करके मैं फिर उसके बगल से थ्री टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ वन वन लूप के अंदर से। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने चेन बना लिया है फोर्थ चेन, अब मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी, फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन, फिर इस लूप के अंदर से मैं वन डबल क्रोशे, इसके बगल के लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, वही रिपीट होगा वन टू थ्री। अब मैं यहाँ पे थ्री चेन लूँगी और यहाँ पे वन डबल क्रोशे, फिर थ्री चेन और यहाँ पे मैं टू स्किप करके डायरेक्ट इस यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी इस लूप के अंदर से, फिर इस लूप के अंदर से फिर थ्री फोर चेन, फिर इस लूप के अंदर से जॉइंट करना है फिर फोर चेन, फिर इस लूप के अंदर से जॉइंट करना है फिर फोर चेन, फिर डबल सिंगल क्रोशे करना है आपको, फिर फोर चेन, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है, फिर फोर चेन, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है, इस तरह से इसे रिपीट करना है आपको। ये देखिए यहाँ तक। फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन लूँगी और इसे टू को स्किप करके सबसे लास्ट वाले में डबल क्रोशे निकालूँगी, फिर वन टू थ्री फोर, जैसे फोर चेन मैंने बनाया है उस तरह से फिर बनाने के बाद वन वन डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है सारे लूप के अंदर से। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है।
फिर से मैं चेन से ही शुरू करूँगी। जब भी आप ज्वाइंट करोगे उससे पहले आपको चेन बनाना ही होगा। ये देखिए, फिर इस लूप के अंदर से इस तरह से आपको निकालना है डबल क्रोशे करते हुए। फिर टू फंदा लेना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको करना है। मैं फिर से आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए डबल करने के बाद इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए रहना है और फिर से डबल क्रोशे करना है और इस तरह से इसे कर लेना है। फिर यहाँ पे फोर चेयर बनाना है, सॉरी यहाँ पे सिक्स चेयर बनाना है आपको। और लूप के अंदर से इसे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है, फिर फोर चेन, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए इसे जॉइंट करना है। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। फिर यहाँ पे टू चेन का गैप, फिर फंदे को लेना है और इस तरह से सिंगल क्रोशे कर डबल क्रोशे करते हुए जाना है, वन बाय वन करते हुए इस तरह से। ये देखिए फिर मैं यहाँ पे सिक्स चेन बनाऊँगी और इस लूप में जॉइंट करूँगी, फिर फोर चेन, फिर डबल सिंगल क्रोशे, फिर फोर चेन, फिर सिंगल डबल क्रोशे, सॉरी फिर फोर चेन, फिर जॉइंट करने के लिए मैं सिंगल क्रोशे ले रही हूँ, फिर फोर चेन, फिर इस तरह से जॉइंट करूँगी मैं सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से पूरा रो को कंप्लीट करूँगी। अब मैं फिर सिक्स चेन लूँगी और ये देखिए फंदे को मैंने टू टाइम लिया और इस तरह से मैं सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर फंदे को अब बीच में आपको टू चेन का गैप करना है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसे ज्वाइंट करूँगी। तो सबसे ऊपर वाले चेन में इसे ज्वाइंट करना है, फिर यहाँ पे फोर चेन बनाऊँगी, वन टू थ्री फोर, फिर फंदे को मैंने टू टाइम लिया, फिर वन टू थ्री, फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, बीच में फाइव चेन का गैप, फिर इस तरह से फिर आपको सिंगल सिंगल डबल क्रोशे करते हुए जाना है। फिर देखिए वन सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, फिर टू डबल क्रोशे, फिर सिक्स चेन और इस लूप में से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, फिर फोर चेन, फिर यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी मैं, सेम वही रिपीट होगा फिर से। और यहाँ पे लूप की क्वांटिटी अब कम होती जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइंट किया, फिर सिक्स चेन, फिर मैं यहाँ से इस तरह से डबल करते हुए जाऊँगी, फिर यहाँ से करूँगी, फिर फाइव चेन का गैप, फिर इस लूप के अंदर से सेम वही फंदे से मैं टू टाइम करते हुए डबल क्रोशे निकालूँगी, फिर यहाँ पे सिक्स चेन, फिर इस लूप पे मैं इसे ज्वाइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए और इसे भी इसी तरह से रिपीट करूँगी। तो फ्रेंड इसी तरह से इसको रिपीट करना है आपको। फिर मैं यहाँ पे देखिए सिक्स चेन बनाऊँगी और यहाँ से मैं डबल फंदे लेते हुए डबल क्रोशे करूँगी, फिर मैंने यहाँ पर डबल फंदा लिया, फिर वन टू डबल क्रोशे किया, फिर यहाँ पे फाइव चेन का गैप, फिर इस तरह से फंदे को ले लेना है निडल्स में और डबल क्रोशे करते हुए जाना है थ्री टाइम। ये देखिए
फिर 6 चैन और इस तरह से इसे ज्वाइंट करते हुए जाना है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, फिर 6 चैन बनाना है ज्वाइंट करने के लिए। और ये इस लूप में यहाँ पे मैं जो चैन मैंने बनाया था 4 चैन, सबसे ऊपर वाले चैन में से ज्वाइंट कर देना है। फिर मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी एक चैन मिला के। बीच में मैं इसे ज्वाइंट करूंगी इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए 1 2 3। फिर यहाँ पे 4 चैन इसके बगल वाले लूप के अंदर से भी निकालूंगी 1 2 3 डबल क्रोशे करते हुए। फिर 5 चेन बनाना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 5 चेन बनाया था। और यहाँ से मैं फिर से डबल क्रोशे करते हुए निकालूंगी 1 2 3, क्योंकि फंदे के हिसाब से डबल क्रोशे आपके 3 हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊंगी इसे ज्वाइंट करने के लिए। फिर इस तरह से सिंगल क्रोशे करूंगी, फिर 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशे, फिर 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशे, फिर 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशे। इसी तरह से ये रिपीट होगा। और इस रो को भी मैं इसी तरह से करते जाऊंगी। ये देखिए मैं फिर बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको 6 चेन लेना है इस तरह से। फिर इस लूप में मैं इसे ज्वाइंट करूँगी और इस तरह से मैं डबल क्रोशे करते हुए जाऊँगी। फिर मैं इस तरह से लंबे डबल क्रोशे करूँगी। फिर बीच में आपको 5 चेन बनाना है और यहाँ 3 को जो मैंने 6 चेन बनाया था, तो 6 के 2 इधर स्किप करके 3rd में आपको करना है। फिर इसके बगल से मैं निकालूँगी बीच में 4 चेन का गैप करके इस तरह से। फिर मैं 5 चेन बनाऊँगी और फिर मैं यहाँ से इस लूप के अंदर से इस तरह से निकालूंगी डबल क्रोशे करते हुए। फिर मैं इसके बगल से निकालूंगी, फिर 6 चेन और इस तरह से ज्वाइंट करना है लूप के अंदर से। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको भी करके दिखाती हूँ आपको। ये तो आप समझ भी गए होंगे कि इस तरह से आपको लूप में 4 चेन बना के सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। ये देखिए फिर यहाँ पे आपको 6 चेन बनाना है, सेम वही रिपीट होगा। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ यहाँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और इसे ज्वाइंट भी कर दिया है मैंने। फिर मैं यहाँ से 4 चेन बनाऊँगी और ये इस तरह से फंदे को 2 टाइम नीडल्स में डालते हुए डबल क्रोशे निकालूँगी। फिर यहाँ पे 3 चेन का गैप, 5 चेन सॉरी। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी और यहाँ से मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 5 चेन, फिर मैं इस लूप के अंदर से डबल ऐसे करते हुए फिर से डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर सेम डबल क्रोशे निकालना है, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में 5 चेन और इस तरह से इसे करना है, सॉरी 4 चेन, 4 चेन। अब यहाँ पे 5 चेन लेना है इसे ज्वाइंट करने के लिए। फिर यहाँ से डबल क्रोशे निकालना है, फिर 6 चेन, फिर इस तरह से ज्वाइंट करना है, फिर 3 चेन, ये ज्वाइंट करना है आपको। इस तरह से ये रो को भी मैं पूरा कंप्लीट करूंगी।
एक में फोर चेन, एक में टू चेन, एक में फोर चेन, एक में टू चेन। इस तरह से आपको इस लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए सारे इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर फोर फाइव चेन करके फिर मैं ये यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ पे सिक्स चेन। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। और इसे ज्वाइंट करूँगी मैं, ज्वाइंट भी मैंने कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो फिर से आपको फाइव चेन लेना है, फाइव चेन। फिर ये जो फोर वाला जो था सबसे फर्स्ट वाला लूप, मैं यहाँ से डबल क्रोशे इस तरह से निकालूँगी और यहाँ पे फोर चेन बनाऊँगी और फिर यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूँगी। फिर वन टू थ्री फोर, फिर मैं इसे स्किप करके टू वाले को और फिर फोर में इसे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। फिर फोर चेन, फिर मैं इसे स्किप करके यहाँ से मैं उसी लूप के अंदर से मैं निकाल रही हूँ ज्वाइंट करके। फिर यहाँ पे जो मैंने फाइव चेन का गैप किया था फिर इसे स्किप करके इसमें ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे फोर चेन और डबल क्रोशे उसी लूप के अंदर से निकालना है इस तरह से। फिर फाइव चेन बनाना है आपको और इस तरह से फंदे को लेते हुए डबल क्रोशे करते हुए जाना है थ्री टाइम। एक लाइन में थ्री डबल क्रोशे होता है। और ये देखिए डबल क्रोशे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फिर आपको सिक्स चेन बनाना है, फिर इस लूप में ज्वाइंट करना है। यहाँ देखिए लूप की क्वांटिटी कम हो गई है। फिर इस लूप में ज्वाइंट करूँगी, फिर फोर चेन बनाऊँगी, फिर इस लूप में ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। ये देखिए टू बच चुका है। फिर सिक्स चेन बनाना है और यहाँ पे डबल क्रोशे निकालना है आपको। और इस तरह से इसे रिपीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और उधर मेरा फिर से वही रिपीट हो गया था, तो इसके लिए सॉरी, ज्वाइंट करते से मैं भूल जाती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए फिर मैं यहाँ पे निकालूँगी फाइव चेन करके। फिर यहाँ पे फाइव चेन बनाना है और इस लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे करूँगी टू टाइम और इस तरह से। फिर वन टू थ्री फोर चेयर बना के फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे करूँगी डबल फंदे लेते हुए। फिर यहाँ पे आपको फोर चेन का गैप या फाइव चेन का गैप भी कर सकते हो आप। फिर मैं इस लूप के अंदर से फिर वही फ्लावर निकालूँगी, टू डबल क्रोशे फोर चेन। ये देखिए फिर वन टू थ्री फोर फाइव। फिर मैं यहाँ से टू डबल क्रोशे निकालूंगी और फोर चेन बनाऊंगी
ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट होगा फ्रेंड। सेम वही प्रोसेस करना है इसके लिए, इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है, वन वन करके फिर सिक्स चेन बनाना है और इस लूप में से जॉइंट कर देना है। ये देखिए दो ही बचा हुआ है यहाँ पे, टू मैंने एक में किया, फिर मैं फोर चेन बनाते हुए इसके टू दूसरे वाले में मैंने इसे जॉइंट कर दिया। फिर आपको सिक्स चेन बनाना है, फिर यहाँ से वन वन डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे रिपीट करना है, ये टोटल ऐसे बनते हुए जाएगा पूरा सारे लूप में। फिर यहाँ पे जॉइंट करना है, तो यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन, फिर मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी डबल क्रोशे करते हुए, वन वन करके वन लूप से वन डबल क्रोशे, वन लूप से वन डबल क्रोशे, फिर मैं सिक्स चेन बनाऊँगी और यहाँ पे मैं डबल क्रोशे निकालूँगी थ्री टाइम इस तरह से फंदे को लेते हुए, और वन वन में लूप छोड़ते जाऊंगी और ये चारों लूप को मैं इस तरह से सिल्क स्टिच करते हुए वन कर दूंगी और यहाँ पे मैं फाइव चेन लूँगी, सॉरी फोर चेन। फिर यहाँ से फिर सेम वही रिपीट होगा, डबल क्रोशे करते हुए वन वन लूप छोड़ना है और ये चारों को मैं इस तरह से जॉइंट कर दूंगी। फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव चेन बनाना है सॉरी। फिर यहाँ से आपको इस तरह से वन कर देना है, फिर फोर चेन, फिर मैं यहाँ से वन डबल क्रोशे, फिर टू डबल क्रोशे, फिर थ्री डबल क्रोशे और सारे के लूप को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट करूँगी। फिर यहाँ पे मैं फाइव चेन बनाऊँगी, यहाँ फोर चेन बना के फिर उसी लूप के अंदर से मैं एक और निकालूंगी, ये देखिए इस तरह से यहाँ मैंने टू निकाला और इस लूप के अंदर से बीचों के बीच वाले लूप के अंदर से मैं थ्री टाइम निकालूंगी वही, फिर फाइव चेन, फिर इसके बगल वाले लूप से मैं टू निकालूंगी, ये देखिए थ्री थ्री डबल क्रोशे करते हुए फिर तीनों को इस तरह से ज्वाइंट करना है, फिर फोर चेन, फिर मैं इस लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे और सारे को लूप को मैं एक साथ इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। फिर यहाँ पे सिक्स चेन, फिर यहाँ पर सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालूंगी, तो इस तरह से फ्रेंड इसे कंप्लीट करना है आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ जो जो बना हुआ है यहाँ पे मैं रेड कलर का यूज करूँगी, ये देखिए इस तरह से जॉइंट करना है आपको यहाँ से, और यहाँ जॉइंट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको फोर चेन कर लेना फर्स्ट में या थ्री चेन भी कर सकते हो इसकी हाइट के हिसाब से है। तो ये देखिए यहाँ पे जो लूप दिख रहा है मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर थ्री चेन या फोर चेन, यहाँ पे फिर आप कर लीजिए सिंगल क्रोशे, फिर फोर चेन, फिर सिंगल क्रोशे लूप के अंदर से डालते हुए और इसी तरह से मैं ऊपर की ओर बढ़ते जाऊँगी। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ इस तरह से ये करते हुए जाना है आपको सारे लूप के अंदर से करते हुए, ऐसे करते हुए यहाँ पर मैं पहुँचती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और ये फ्लावर मैं बता देती हूँ कैसे मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए सेम वही प्रोसेस होगा, थ्री टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है और उसको फर्स्ट फर्स्ट लूप को आपको छोड़ देना है और सबको एक तरह से जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ पे थ्री चेन बनाना है,
सिक्स चेन और इसके बीच में से ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे करूँगी 3 टाइम और ये तीनों को ये मैं एक कर दूँगी और यहाँ पे फिर 6 चेन और 6 चेन के वो नीचे से मैं 3 को स्किप करते हुए और बीचों बीच 4th में डालूँगी और स्लिप स्टिच निकालूँगी, फिर 3 चेन बनाऊँगी और फिर इस लूप के अंदर से मैं सेम वही रिपीट करूँगी, 1-1 करके 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी और चारों को मैं इस लूप को इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए निकालूँगी। तो यहाँ से मैंने 3 निकाला इस लूप के अंदर से, यहाँ से 3 और यहाँ पे मैं 5 चेन का गैप करूँगी, फिर यहाँ से 5 चेन का गैप, ये देखिए मैं 5 चेन का मैंने यहाँ पे गैप किया। फिर इस लूप के अंदर से मैं सेम इसी तरह से निकालूँगी 3 टाइम और ये तीनों को एक कर दूँगी, फिर यहाँ पे 6 चेन, फिर इसे नीचे से 3 को स्किप करके 4th में देना है स्लिप स्टिच करते हुए, फिर 3 चेन बनाना है, फिर मैं यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे करते हुए चारों को एक कर दूँगी, फिर इस तरह से रिपीट करना है इसे। इसी तरह से रिपीट हो गया, फिर यहाँ पे 6 चेन बनाना है आपको और यहाँ पे देखिए कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ से मैं इस फंदे में लूँगी और इसके सबसे लास्ट वाले फंदे से दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरह से, फिर यहाँ पे मैं 4 चेन बनाऊँगी और नीचे की ओर अब जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इस लूप के अंदर से देखिए इस तरह से आपको जाना है, तो मैं यहाँ से लूप में डाल के से सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर 4 चेन लूँगी, फिर नीचे वाले लूप में डालूँगी, फिर 4 चेन लूँगी, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइन करना है, फिर 4 चेन, इस तरह से इसे रिपीट करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से आपको करते हुए जाना है और यही सारे में रिपीट होगा, यहाँ तक आपको स्टॉप कर देना है, फिर आपको इस लाइन से आपको शुरू करना है, फिर इसमें रिपीट करना है, इस तरह से पूरा रो को कंप्लीट करते हुए जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ तक जाओगे, इस तरह से रिपीट करते हुए जाइए।